A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the IIT Coimbatore School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your English classes. Today, in our English literature, we will start a new poem, that is Vocation. This is a poem which is explained or has been taken in this book so that you may know that what a child wants to do in his life or what the things the child gets attracted toward it. Okay, so vocation means, what is the meaning of vocation? Vocation ka matlab kya hota hai? So vocation is the thing jisme ye show karta hai ki bacche ko kya cheeze pasand aati hai. The point of attraction which shows the child's ability means bacha kya karna chah raha hai, jo wo nahi kar sakta hai. ठीक, बट उसका जो इमेजिनेशन होता है वो उसकी लाइफ में क्या है कि वो क्या करना चाहता है, वो दूसरों को देख के कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, उतने लाइफ में भी उसे वैसी चीजें चाहिए. सो दिस इज मेंट बाय वोकेशन. सो द समरी ऑफ द पोएम इज, इन दिस पोएम अ चाइल्ड स्पीक्स अबाउट हिज विश एंड अट्रैक्शन. तो इस पोएम में क्या है, जो चाइल्ड है वो अपने विशेज और अपने अट्रैक्शन मीन कौन सी चीजें या कौन से लोग उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो क्या विश कर रहा है, मीन्स क्या चाहता है, कैसा बनना चाहता है या किन चीजों से अट्रैक्ट हो रहा है, किन लोगों को एक्वायर कर रहा है, ये सारी चीजें बताई गई हैं. द पोएम इज अबाउट हाउ अ चाइल्ड गेट अट्रैक्टेड टू द वेज ऑफ पीपल अराउंड हिम. ये पोएम क्या बताती है, द पोएम टेल्स दैट हाउ अ चाइल्ड, कैसे एक बच्चा gets attracted to the ways of people around him. उसके चारों तरफ जो लोग हैं, उसके अगल बगल जो एटमोसफियर में वो रहता है, उसके आस पास के जो लोग हैं वो किस तरीके के हैं और क्या काम कर रहे हैं, इन सब चीजों से बच्चा किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है. ओके, जैसे कि जब बच्चा अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो क्या देखता है, एक हॉकर को, हॉकर मीन्स जो चूड़ी वाला होता है, चूड़ी बेचने वाला, उसे देखता है कि वो कितने मजे से बैंगल्स सेल कर रहा है, बैंगल्स को, चूड़ियों को बेच रहा है, चूड़ी और कंगन को, और उसे कोई रोक टोक नहीं है. वो जब चाहे जिस रास्ते पे जा सकता है, किसी भी रास्ते में जा सकता है, किसी भी रास्ते से वापस आ सकता है, और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि कोई उसे रोके कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो या इतनी लेट घर क्यों आए हो. ओके, सो द चाइल्ड सेज ऑन विशेस कि काश वो भी एक हॉकर होता, एक बैंगल वाला होता, काश वो भी ऐसे ही रोड पे फ्री होके घूम पाता और उसे भी चूड़ियां बेचने को मिलती, वो भी बैंगल्स, एक बैंगल्स, बैंगल्स, ब्यूटीफुल बैंगल्स, ऐसे चिल्लाते हुए रोड पे चूड़ियां बेचता और उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि वो कब घर आए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता. सो द चाइल्ड, वॉट अट्रैक्ट द चाइल्ड, जो बैंगल सेलर है, जो हॉकर है, वो चाइल्ड को अट्रैक्ट कर रहा है और उसको देख के चाइल्ड क्या विश करता है, द चाइल्ड विशेस कि काश वो भी एक बैंगल वाला होता, एटलीस्ट उसे रोज सेम रास्ते से आना जाना नहीं होता और ना ही उसे टाइम लिमिट डिसाइडेड होता कि वो इस टाइम पे घर पे होना चाहिए. ओके, जैसे वो स्कूल जाता है तो उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं दैट यू हैव टू गो टू दिस रूट, आपको सिर्फ इसी रास्ते से अपने स्कूल जाना है और इसी रास्ते से वापस आना है, डोंट टेक एनी अदर रूट फॉर योर स्कूल. ठीक, स्कूल जाने के लिए कोई अलग रास्ते से या किसी अनजान रास्ते से नहीं जाना है. तो सेम एज टाइम के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि स्कूल की छुट्टी हुई तो आपको सीधा स्कूल से घर आना है, तो इसीलिए चाइल्ड क्या विश करता है कि काश वो भी एक हॉकर होता और वो अपने मन से किसी भी रास्ते पे जा सकता और कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता उसे कि इस रास्ते पे क्यों जा रहे हो या इस रोड से क्यों गुजर रहे हो या रोड पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, है ना. फिर क्या होता है, जब जो चाइल्ड है वो अपने घर आ जाता है शाम को स्कूल से आने के बाद, तो वो अपने गेट से देखता है, अपने जो गेट है उससे देखता है, सामने जो गार्डन है, यार्ड है, वहां पे कि एक गार्डनर है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को डिग कर रहा है. डिग कर रहा है मीन्स गड्ढे खोद रहा है. तो वो जो ग्राउंड डिगर है, जो गार्डनर है, वो चाइल्ड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है. अब वो क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो जिस तरीके से पूरे मिट्टी में, उसके पूरे कपड़े मिट्टी से संधे हुए हैं, पूरे कपड़े में मिट्टी लगी हुई है,
और वो धूप में काम कर रहा है और सनबर्न हो रहा है, टैनिंग हो रही है, पसीने से पूरा भीगा हुआ है, ये सारी चीजें देख के चाइल्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है एंड ही विशेष. फिर वो क्या विश करता है कि काश वो भी एक गार्डनर होता, एटलीस्ट वो धूल मिट्टी में खेल तो सकता था, वो भी ग्राउंड डिग कर सकता था, वो भी धूप में खेल सकता था. अगर पसीना होता तो कोई उसे चिल्लाता नहीं, दैट कम इनसाइड, अदरवाइज विल गेट टैंड, आप अंदर आ जाओ नहीं तो धूप में टैनिंग हो जाएगी, या तो धूप लग जाएगी या गर्मी लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, ऐसे सारी चीजें नहीं होती. वो आराम से जो चाहता कर सकता था, धूल में खेलना है तो खेल सकता था, ग्राउंड डिग करना है ग्राउंड डिग कर सकता था, प्लांट लगाने हैं, वॉट एवर थिंग्स ही वॉन्ट्स टू डू ही कैन डू. ओके, सो दिस थिंग अट्रैक्ट द चाइल्ड. फर्स्टली चाइल्ड ये देखता है कि हॉकर फ्रीली मूव कर रहा है हर जगह, हर रोड साइड पे, हर तरफ से, तो वो उसे बहुत अट्रैक्ट करता है, वो सोचता है काश मैं भी एक हॉकर होता. सेकेंडली वो देखता है गार्डनर को जो वो ग्राउंड डिग कर रहा होता है, गड्ढा खोद रहा होता है ग्राउंड में, उसे देख के उसका मन करता है कि काश वो भी एक गार्डनर होता जिससे सारी चीजें वो आराम से कर सकता, चाहे वो धूप में खेलता, चाहे धूप में बैठता, पसीने से पूरा भीगा हुआ होता, चाहे उसके पूरे कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए होते, धूल मिट्टी से, बट कोई उसे कुछ नहीं बोलता. तो थर्ड इंसिडेंट क्या आता है, इन द थर्ड इंसिडेंट एट द नाइट चाइल्ड सीज फ्रॉम हिज विंडो द गार्ड. गार्ड मीन्स जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं घरों में या स्कूल्स में, ऑफिसर्स में, वो उन्हें देखता है. ठीक है, तो गार्ड क्या कर रहा होता है, गार्ड अपनी जो टॉर्च है उसे लेके और रोल डाउन कर रहे होते हैं या टहल रहे होते हैं रोड पे. ठीक है, स्ट्रीट क्या है, पूरी शांत है, सन्नाटे का टाइम है, रात का टाइम है और एकदम अंधेरा है पूरा रोड पे, और जो वॉचमैन है या जो गार्ड है वो क्या कर रहा है, पूरे रोड पे ऐसे अपनी टॉर्च की लाइट को हिलाते हुए घूम रहा है, और उसकी परछाई टॉर्च की लाइट से उसके साथ साथ में चल रही है, वो भी मूव होते दिख रही है. तो जब चाइल्ड वॉचमैन को देखता है तो वो फिर से अट्रैक्ट होता है वॉचमैन की तरफ और विश करता है कि काश वो भी एक वॉचमैन होता. तो उसे कोई सोने की पाबंदी नहीं होती कि वो लेट हो गया है, चलो सो जाओ कल काम पे जाना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई उसे सोने के लिए नहीं बोलता, और वो भी अपने टॉर्च के साथ में खेल सकता था, उसकी शैडो भी उसके साथ साथ कभी आगे उसके तो कभी पीछे उसके चलती. तो बेसिकली इन दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू टेल दैट हाउ द थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड एंड वॉट ही wishes, okay, and finds different curiosities and attraction in their life. So what happens here? जब child ने watchman को देखा, gardener को देखा और hawker, इन सभी लोगों को देखा, तो उसे क्या हुआ, एक different type की curiosity जागी थी ना, curiosity उसे लगी कि वो काश वो भी इस तरीके की चीजें कर सकता, क्या इन्हें कोई रोकता नहीं है ऐसा करने से, क्या इनके घर वाले नहीं बोलते कि इतनी late night में तुम बाहर घूम रहे हो, क्या इनके घर वाले इनकी केयर नहीं करते, उसे क्यूरियोसिटी हुई और वो अट्रैक्शन इन देयर लाइफ में, उनकी जिंदगी उसे बहुत ज्यादा क्या की, अट्रैक्ट की. किसकी जिंदगी, जो अदर वर्कर्स या अदर जो पीपल थे उसके अराउंड में, बच्चे के अराउंड में, चारों तरफ जिस एटमोसफेयर में वो रहता है उसके आसपास के जो लोग थे उनके रहन सहन, लाइफ मीन्स रहने का तरीका, बोलने बात करने का तरीका, या जो उनकी लाइफ में फ्रीडम थी, वो देख के चाइल्ड को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील हुआ, मीन्स वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ, और उसने भी विश किया कि काश वो भी एक ऐसे ही लाइफ जी पाता. तो बच्चों का क्या होता है बेसिकली कि वो कुछ भी चीजें देखते हैं, ये नहीं कि किसी एक चीज पे उनका अट्रैक्शन होता है, वो जो भी चीज देखेंगे दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट. ठीक, वो उस चीज की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और चाहेंगे कि काश वो भी ऐसे होते. सो इट्स द नेचर ऑफ द चाइल्ड that the poet has explained in this poem. So I hope that you have understood this poem. So I am stopping this session over here only, and we'll meet in our next class. Till then, thank you all.